तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट को टीचर बनना है तो उसके लिए उसे कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है टीचर बनने का, किस क्लास के बाद आप टीचर बन सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आपको टीचर बनना है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपको करनी पड़ेगी तब आप जाके एक टीचर बन सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष हृदय यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो गाइस, अगर आप टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए तभी आप इस चीज़ को सक्सेसफुल बना सकते हो। देखो बहुत चीज़ें हैं जो कि लोगों के मन में डाउट्स होती है, स्टूडेंट के मन में डाउट्स होती हैं और उन्हें बताने वाला कोई नहीं होता, लेकिन मेरे दोस्त मैं कोशिश करता हूँ कि आपके मन में जो भी सवाल आता है किसी भी करियर ऑप्शंस रिलेटेड, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के आप सभी के डाउट से दूर कर दूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं टीचर्स के बारे में कि टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो भाई, अगर आपको टीचर बनना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले तो आप क्लास 10th पास कीजिए और उसके बाद दोस्तों आपको क्लास 12th भी पास करना पड़ेगा। 12th पास करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि 12th पास करने के बाद आप चाहे तो ग्रेजुएशन कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो 12th के बाद बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। देखो गाइस, अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो तो ये कोर्स आपके लिए 4 साल का होगा, और अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हो पहले, उसके बाद अगर आप बीएड का कोर्स करते हो तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने के लिए आपको 2 साल का समय लगेगा, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड का कोर्स करते हो तो दोस्तों वो बीएड का कोर्स आपके लिए 1 साल का होगा। यानी कि बीएड का कोर्स डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास के बात कर रहे हो, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद आप बीएड का जो कोर्स करो उसकी अवधि है। 12th के बाद करोगे जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स होगा तो इसमें 4 साल का समय लगेगा, ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो इसमें 2 साल का समय लगेगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो इसमें आपको 1 साल का समय लगेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो बीएड का कोर्स होता है वो दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद वाला होता है जिसमें 2 साल का समय लगता है। बहुत सारे लोग यानी कि लगभग 80-90% लोग यही वाला कोर्स करते हैं बीएड का, और अभी बहुत सारी जगहों पे तो 12th के बाद जो बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स है ये तो बहुत जगह पे अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है, लेकिन अभी बहुत सारे कॉलेज में ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड का कोर्स मिलेगा जो कि 2 साल का होता है, लेकिन अगर आप सोचो कि क्लास 12th के बाद आप बीएड का कोर्स कर लो तो वो चीज़ शायद अभी ना मिले। टीचर बनने के लिए और भी कई कोर्सेज होते हैं जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, जैसे कि BTC होता है या फिर DLED होता है, ये कोर्स करके आप प्राइमरी टीचर बन सकते हो। लेकिन दोस्तों जो बीएड का कोर्स होता है इसकी मान्यता सबसे ज़्यादा है और ये सभी स्टेट में, इंडिया के सभी राज्यों में इसकी मान्यता है। बाकी सारे कोर्सेज की मान्यता थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बीएड एक ऐसा कोर्स है जिसकी मान्यता सभी जगह है, और अब तो इसे कंपलसरी कर दिया गया है कि भाई अगर किसी को टीचर बनना है तो उसे बीएड करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी बीएड के कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद दोस्तों आपको 2 स्टेप और करने हैं। उसके बाद तो सबसे पहले आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जी हाँ, टेट क्वालिफाई यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने टेट क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद जब भी टीचर की वैकेंसी आएगी दोस्तों आप उसमें एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें जो भी उसका प्रोसेस होगा सिलेक्शन का, कई बार मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर उसमें एग्जाम है तो एग्जाम में आप पास करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको बीएड करना होगा, उसके बाद आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। टेट 2 तरीके का होता है, एक एस टेट होता है, एक सी टेट होता है। इन सभी के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आपको लिंक दे दूंगा आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में आप वो चीज़ देख लेना। टीचर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज हैं, डिटेल में भी मैंने बहुत कुछ बताया है, तो आप वो वीडियो देखिए, आपको और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने दूसरी वीडियो में बता दी है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।